जिंदगी लहरती आप साहिल हुए। न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, न भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। यह है प्यास, एक नशा भक्ति का। और वाकई इंसान नशे के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हर इंसान में ये नशा किसी ना किसी रूप में विराजमान होता है। जैसे शराबी को शराब का नशा, ज्ञानी को ज्ञान का नशा, अमीरी में धन का नशा, समाज सेवी को समाज सेवा का नशा और भक्त को भक्ति का नशा, प्रेमी को प्रेम का नशा। जागे रहना, अपनी ओर रहना। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें, हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें। हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी यादें, हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी यादें। भीतर की आंख से भीतर झांक कर देखना कि हमारे भीतर कितना रूपांतरण हुआ है। इसका सतत अवलोकन करते रहना। बाहर तो प्रतिदिन सूरज जगमगाता है, लेकिन भीतर कभी भोर होती ही नहीं। हर बार यही लगता है अब कुछ भी याद नहीं है, हर बार यही लगता है अब कुछ भी याद नहीं है, हर बार गुमा होता है कोई फरियाद नहीं है, हर बार गुमा होता है कोई फरियाद नहीं है, हर बार उजालों वाली सुबह आकर कहती है, हर बार उम्मीदों वाली सुबह आकर कहती है, खुद से बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है, खुद से बाहर आने में अब कोई विवाद नहीं है, हर बार गुमा होता है कोई फरियाद नहीं है। देखते रहना क्या शांति, शक्ति, स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है। ये तभी संभव होगा जब तुम्हारे सारे कर्म टूटेंगे, अज्ञान के, आसक्ति के, डुअलिटीज के। ये सब माइंड का नशा है, ये कर्म बंधन का नशा, कर्म भुगतने का नशा, कर्म छोड़ने का भी एक नशा है। आखिर ये नशा है क्या? नशा यानी आदत, एडिक्शन। खाने का नशा, पीने का नशा,
कामना का नशा, वासना का नशा। और नशे का लक्षण यह है कि सच को भूल जाना, अपना होश खो बैठना। नशा यानी आदत, यानी व्यसन, यानी उस नशे में अपना विवेक खो बैठना, सही गलत को भूल जाना, क्या राइट है क्या रॉन्ग, अपनी आत्मा के लिए अपने शरीर के लिए कुछ पता ही नहीं, देखते रहना। भीतर के चार नशे जो हर एक के भीतर होते हैं, चाहे हम संसार क्षेत्र में हैं या परमात्मा के सम्मुख हैं, तो भी देखना ये चार प्रकार के नशे तुम कर रहे हो या नहीं। पहला है अधिक का नशा। अधिक यानी और चाहिए। संसार क्षेत्र में हो तो भी और चाहिए, चाहे परमात्मा के क्षेत्र में हो तो भी और चाहिए। विश्लेषण कीजिए, अधिक का नशा है या नहीं। दूसरा है अधिकार का नशा। मैं बड़ा हूं, ये अधिकार, इस अधिकार के कारण दूसरे मेरी सुने, मेरी माने, मेरे अनुसार सब चले। इस अधिकार के नशे के कारण भी सही गलत का होश हमें भान ही नहीं रहता। अधिक का नशा, अधिकार का नशा। तीसरा है अपने दोषों को छिपाने का नशा, यानी अपने से हुए पाप को, अपने से हुई भूल को छुपाने का नशा। जबकि जिंदगी में कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके सामने आप अपने सारे दोषों को उघाड़ कर रख दें। देखते रहना, क्या कोई है तुम्हारे जीवन में ऐसा? विश्लेषण करना अपना। ध्यान रखना, अगर दोषों को छुपाने में बोझ लगता है और दोषों को उघाड़ने में हल्कापन लगता है, तो समझ लेना बोझ हल्का हो रहा है, ये नशा कम हो रहा है। परिभ्रमण में तुम्हारा मोह का लेवल, मोह का नशा कम हो रहा है। पहला अधिक का नशा, दूसरा अधिकार का नशा, तीसरा अपने दोषों को छुपाने का नशा, चौथा है अपेक्षाओं का नशा। चाहे संसार क्षेत्र में हो या परमात्मा क्षेत्र में, कुछ ना कुछ हमें अपेक्षा बनी ही रहती है। ये प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं, क्योंकि ये भी गलत और सही का भान भुला देती है। ध्यान रखना, यहां जो कुछ भी हो रहा है कर्म सत्ता के हिसाब से हो रहा है। आज जो भी मेरे सामने आ रहा है, अच्छा या बुरा, वह सब मेरे किए का कर्म फल है। लेकिन अपेक्षा बनी ही रहती है कि मैं तो इतना धर्म ध्यान करती हूं, ये बीमारी मेरे ही पास क्यों, मैं तो प्रभु का इतना ध्यान करती हूं, ये विपत्ति मेरे पास क्यों। इन अपेक्षाओं के नशे के कारण इंसान भूल ही जाता है कि ये मेरे ही कर्म है जो इस समय उदय में आ रहे हैं। यहां पूरी कार्मिक सत्ता के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना किसी कारण के कोई कार्य हो जाए। जो भी कार्य हो रहा है, शुभ या अशुभ, अच्छा बुरा, कहीं ना कहीं इसका कारण है। लेकिन हम इन अपेक्षाओं में इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये सब कर्म सत्ता के हाथ में है। अनुभव लेना भीतर का, अंतस्थ ध्यान का। जैसे जैसे आप अंतस्थ ध्यान में जाओगे, आपको अनुभव होगा कि इस कर्म सत्ता से ऊपर भी एक ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय ऑर्डर है। उसे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा समर्पण भाव, तुम्हारा वर्तमान। फिर तुम्हारे अपने आप सारे कर्म सुधरते चले जाते हैं। अनुभव लेना। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें,
हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें। हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना जाके, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना जाके। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी यादें। भाव दशा में निरंतर डूबते चले जाना, यही है वास्तविक जीवन।